हर डायरेक्टर एक ऐसा दिन फेस करता है जहां उसे ऐसा फील हो कि ही शुड जस्ट स्टॉप एंड क्विट। दूसरे दिन मैंने कुछ ऐसा ही महसूस किया। जहाँ से फिल्म शुरू होती है वो है स्कूल का ग्राउंड, एंड उस दिन हमें दो सीन्स कंप्लीट करने थे। सो आई वॉज ऑपरेटिंग प्रिटी फास्ट, एक स्पीडी माइंडसेट के साथ चल रहा था मैं, जहाँ पे लोग मुझे एवरी स्टेप ऑफ द वे हेल्प कर रहे थे एंड सब कुछ ठीक से टाइम पर जा रहा था एंड आई वॉज हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ। पहली बार इतने सारे एक्टर्स के साथ काम कर रहा था, सो इट वॉज हार्ड टू कीप अप कन्वर्सेशंस विथ एवरी सिंगल एक्टर बिकॉज सबको क्लैरिटी देना मेरा काम है एंड आई वॉज ऑनेस्टली स्ट्रगलिंग विथ इट। जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो जो कैमरा के सामने पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उनके साथ पहली बार काम कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप एक दूसरे को जल्दी से नहीं समझ पाते एंड इट टेक्स टाइम, बट वंस यू गेट पास्ट इट यू गेट ग्रूविंग विथ ईच अदर, आप एकदम सिंक में आ जाते हो। एंड अगर आप टू डिमेंशनल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हो जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ एक्टर और डायरेक्टर का सेम पेज पर होना जरूरी है। तो शायद हमने की आत्मा को सुकून मिल जाए। हमारी मम्मी की आत्मा कब से फटक चले? अम्मी की आत्मा तब से फटकती रही और इसी वजह से पिछले 13 सालों से हम यहाँ हर चंद्रग्रहण को अम्मी का सोना खोज। सेट पर हर तरह के एक्टर्स थे, मेथड एक्टर्स, कैरेक्टर एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स, ट्रेडिशनल एक्टर्स एंड आई एम यूजिंग ऑल ऑफ दिस लेबल एज अ कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली कपिल भाई, मीत भाई एंड चिराग, बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग एंड स्टेइंग इन देयर कैरेक्टर्स। इट वॉज हार्ड टू कीप अप विथ एवरी वन बट इट वॉज टू मच फन। एक्शन नहीं, मैं करूँगा। कट ये जो ली तू वांदर नहीं, वांदर नहीं, आराम दे, आराम दे, कर ली। आई एम सुचंद्र बोरीचा, मेरा यहाँ आने का एक ही रीज़न है, म्यूजिक स्टूडियो। माँ बाप को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने दम पर क्या क्या कर सकता हूँ। इवेंचुअली वी केम डाउन टू अ रिएक्शन शॉट व्हिच आई हैड रिटन इन द स्क्रिप्ट। एन एक्टर वाज सपोज्ड टू स्पिट स्प्रे वाटर फ्रॉम देयर माउथ रिएक्टिंग टू अदर कैरेक्टर स्टेटमेंट, बट कई सारे टेक्स के बाद भी वो नहीं हो पा रहा था। एंड देन दैट पर्सन सेड कि मुझसे ये होगा ही नहीं। माय हार्ट लिटरली फिगरेटिवली शैटर्ड बिकॉज कभी भी किसी ने मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया था। सो आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कुछ मैं उनके पास से ऐसा तो नहीं करा रहा था जो इम्पॉसिबल है। एंड एज अ प्रोफेशनल यू डोंट से नो to these kind of things. It is very unprofessional. I was so angry, but at the same time, I was so sad. I didn't say anything at that time. I kept my calm, I figured something out, and we moved on. But it was still hurting me. During the lunch time, I was eating alone because I prefer it that way, क्योंकि खाना खाते वक्त मैं सेट पर एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ सबसे, because that's how I manage my peace. I need that. And during that time, I talked to Chirag and we had a good conversation. He knew what I was feeling and I don't show it often because main zyada expressive nahi hu, but I've told him and he knows that he's the brother I never had. So he knew ki kuch to chal raha hai mere dimag mein, and he came up and he initiated a conversation, he opened a dialogue and it worked. It helped me. हेलो बेटा, क्लियर कर दिए तो रूमाल नहीं देखा है कभी लोग कहीं ना करो बीजू बजू साइड में वही आ जाए कहीं नहीं। हाँ, आफ्टर द फिंगर कटिंग सीन आई वॉज अ लिटिल रिलैक्स बिकॉज ऐसा गोरी सीन पहले कभी फिल्म नहीं किया था एंड स्प्लैटरिंग द ब्लड वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट एंड इट इज समथिंग दैट आई रिग्रेट बिकॉज वो ठीक से अकॉम्प्लिश नहीं हुआ। नॉन द लेस इट वॉज मैड फन एंड उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया
थोड़ी देर के लिए उस चीज से, बट जब पैकअप करके घर के लिए निकले, ड्यूरिंग दैट हाफ आवर ऑफ ड्राइविंग आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वॉट हैड हैपेंड अर्लियर टू नाइट. जब घर पहुंचे तो आई वॉज वेरी लो एंड आई वॉज एक्चुअली रेडी टू गिव इट अप. आई टोल्ड माई फादर दैट वी शुड हॉल्ट द प्रोडक्शन एंड जस्ट बी डन विथ इट. मुझे करना ही नहीं था, बट माई पॉप्स एंड मम, उन्होंने मुझे समझाया एंड आई थिंक इट वॉज फॉर माई ओन गुड. दे केप्ट इट रियल एंड दे वर ब्रूटली ऑनेस्ट. एंड आई थॉट कि मैं सिर्फ यही चीज करना चाहता हूँ मेरी पूरी लाइफ, सो ऐसी चीज़ों को फेस करने की आदत डालनी होगी मुझे. एंड इफ आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ, आई थिंक इट वॉजंट दैट बैड ऑफ अ डे, बिकॉज इन द एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द गुड टाइम्स.